दिल्ली में गुरु रविदास का मंदिर गिराने के बाद दलित समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। सिरसा में बड़ी संख्या में लोग रविदास मंदिर के समक्ष एकत्रित हुए। वहां से विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया। शहर के मुख्य बाजारों से रोष प्रदर्शन करते हुए दलित समुदाय के लोग अंबेडकर चौक पहुंचे। प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर भी शामिल हुए। दलित संगठनों की ओर से अंबेडकर चौक स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। आप सब जानते हैं कि दिल्ली के तुगलकाबाद में 600 साल से ज़्यादा पुराना संत शिरोमणि रविदास महाराज जी का वहाँ पर मंदिर था। ऐतिहासिक वो जगह थी और पिछले कई वर्षों से एक साजिश चल रही थी कि उस ऐतिहासिक जगह को, जो उस समय लोदी जो सुल्तान थे, बादशाह थे, उन्होंने सीधा संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी को वो जगह दी थी। अब ये सरकार जो है संतों के ऊपर, डेरों के ऊपर, जो उनकी जगह है, ऐतिहासिक स्थल है, उनके ऊपर कब्जे करने में लगी हुई है, जो पूरी तरीके से अनुचित है। और पूरे दलित समुदाय में, पूरे भारतवर्ष में, दुनिया में जो भी लोग हैं वहाँ बहुत इस बात को आक्रोश लेकर के है। आज कई जगह पहले भी बंद हुए, आज पूरे भारत में बंद है, और मैं समझता हूँ कि पंजाब से लेकर के और आज हरियाणा हो, कोई भी प्रांत हो, इस बात को लेकर के जो है लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। सरकार को इस बात को सोचना चाहिए। हमारे कई मुख्यमंत्री ने, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने प्रधानमंत्री जी से भी बात करी, उनको भी ये कहा है कि तुरंत प्रभाव से इस ज़मीन को छोड़ा जाए और वहाँ पर जो है ऐतिहासिक स्मारक फिर दोबारा बहाल किया जाए। इसी कड़ी में कैथल जिले के दलित समुदाय के लोगों ने जवाहर पार्क से होते हुए सड़कों पर नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ और मोदी के खिलाफ फमुर्दाबाद के नारे लगाए और सड़कों से होते हुए लघु सचिवालय में जाकर ज्ञापन सौंपा। न्यूज फॉर यू के लिए कैथल से नवीन मल्होत्रा के साथ डॉक्टर गुलाब सिंह की रिपोर्ट। दिल्ली में जो मंदिर तोड़ा गया है उसके खिलाफ आज रोज प्रदर्शन है। धीरे धीरे करके SC ST OBC का सभी इतिहास मिटाया जा रहा है BJP के द्वारा, और हिंदू मुसलमान की लड़ाई, SC ST OBC को आपस में भिड़ा कर ये लोग सत्ता पर काबिज हो रहे हैं और आपस में जहर पैदा कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी गलत है, और अब SC BC समाज बिल्कुल उठ चुका है और हम मोदी को उखाड़ फेंकेंगे अगर ऐसे ही हमारे इतिहास को मिटाते रहे ये लोग। ये जो शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा जो दिल्ली के अंदर तुगलकाबाद में हमारा श्री गुरु रविदास जी का 600 साल पुराना मंदिर है, जो BJP और RS की सह के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत ये बड़ी साजिश के तहत ढहाया गया है, और हम उसके खिलाफ, हम यह पूरा समाज जो कि पूरे भारत के अंदर पूरा आज रोष प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि हम मोदी सरकार से ये शांतिपूर्ण तरीके से चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारा जो रविदास मंदिर है वो उसी जैसी की हालत में, उसको किसी भी तरीके से कानून पास करा के या सुप्रीम कोर्ट में उसको रिवीजन डायल करके वो ऐसे जैसे का था हमारा वो मंदिर बनाया जाए। हम आपसे बिल्कुल, मोदी साहब, मोदी सरकार आपसे, रविदास समाज बिल्कुल विनम्रता से कहता है कि इस समाज को आप कमजोर ना समझें, क्योंकि इस समाज की आप परीक्षा न ले, शांतिपूर्ण समाज है, और फिर अगर ये समाज उग्र हो गया और कल को कोई घटना हो गई तो उसकी जिम्मेवार मोदी सरकार है। इसलिए मैं बार बार अपने समाज की तरफ से ये दोहरा हूँ कि वो जो तुगलकाबाद में हमारा जो श्री संत शिरोमणि गुरुदास जी का मंदिर है उसको उसी हालत में दोबारा से बनाया जाए।